नमस्कार दोस्तों, इजी इंजन जिप्सी में आपका स्वागत है। मारुति जिप्सी के ट्रांसफर गियरबॉक्स में ऑयल टॉपअप या ऑयल रिप्लेसमेंट किस तरह से किया जाए, कहां से किया जाए, क्या क्वांटिटी का ऑयल पड़ेगा, कंपनी रिकमेंडेशन क्या है, चलिए मैं दिखाता हूं। मैं ये ट्रांसफर गियरबॉक्स में ऑयल टॉपअप करूंगा। जो टॉपअप कैसे किया जाए इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा, चलिए देखते हैं। ये वाला ऑयल प्लग जो है वो यहाँ से ऑयल ड्रेन करने के बाद इसको मैंने फिर से लगा दिया है। ऑलरेडी मैंने ऑयल यहाँ से ड्रेन कर लिया था। चलिए मैं बताता हूँ आपको कि ऊपर से टॉपअप कहाँ से किया जाए, किस तरह से किया जाए। दोस्तों ये जो है मारुति जिप्सी का, इसमें ये वाला सेंटर वाला ट्रांसफर गियरबॉक्स जो है उसका मैं यहाँ से डिसमेंटल करूंगा, ताकि ये वाला लीवर जो है वहीं से ही टॉपअप किया जा रहा है, इस यहाँ से ही टॉपअप किया जाएगा ऑयल। तो फिर सबसे पहले मैं इसको मैट रिमूव करूंगा। ये मैट रिमूव कर दिया, अब ये नॉब को मैं घुमा के इसको निकाल दिया, ये रिमूव कर दिया। उसके बाद ये जो बूथ है इसको निकालने के लिए यहाँ से मुझे ये वाला जो है ये वाले चार स्क्रू है, यहाँ पे जो स्क्रू दिख रहे हैं ऐसे चार है, उसको मैंने स्क्रू ड्राइवर से ओपन कर लेना है। ये वाला स्क्रू ड्राइवर है, यहाँ से इसको ओपन कर देना है। ये चारों ओपन होने के बाद ये चारों स्क्रू निकल जाएगा, 1, 2, 3, 4। उसके बाद ये बूथ ऊपर आ जाएगा, ये वाला आ गया, ठीक है जी। उसके बाद इसमें और एक नीचे में देख रहे हो आप, यहाँ वाला मेरी उंगली है वहां पे, और एक बूथ है ना, रबर बूथ, तो उसको मैं यहाँ से निकालूंगा ये वाला। इसको सिंपली इसमें एक सर्किट है, वो निकालने पे ये निकल जाएगा। अब ये इसमें एक यहाँ पे लॉक नट है, उसको मैं क्लॉकवाइज घुमाने पे वो टाइट होता है, मैं एंटी क्लॉकवाइज उसको घुमाऊंगा ताकि वो निकल जाएगा, ठीक है। ये आ गया है ऊपर में, ठीक है। ये वाला एक मिनट छोटा, इसमें दोस्तों ये वाली असेंबली में ये क्या है कि ये वाला जो है ये वाला पोर्शन है इसको ये इसमें नीचे में जो जाव है, इसलिए इसको क्या करना है कि इसको ये वाले को ऊपर से पुश करना है। पुश करके इसको अगर मुझे बिठाना है इस स्लॉट में तो पहले पुश कर देना है और ऐसा घुमा देना है एंटी क्लॉकवाइज, तो वो टाइट हो जाता है। अगर ऐसा घुमा देता हूँ तो निकल जाता है, तो ये लीवर आ जाएगा, ठीक है। ये लीवर अभी मैं टू व्हील हायर में अभी था गियरबॉक्स में, उसको न्यूट्रल करने की जरूरत नहीं है। ये वाला लीवर जो है वो न्यूट्रल करने की जरूरत नहीं है, न्यूट्रल किया नहीं है मैंने। टू व्हील हायर में जो था लीवर वहीं से वही पोजीशन में मैंने निकाल लिया है। अब आपको मैं दिखाता हूँ ये वाला जो पोर्शन यहाँ पे ये वाला जो है यहाँ से ऑयल डाला जाएगा, इसमें ऑयल डाला जाएगा, ठीक है। नीचे ड्रेन प्लग मैंने टाइट कर दिया है, तो यहाँ से ऑयल में डालूंगा। उसके लिए एक अरेंजमेंट चीज है, एक मेरे पास सिंपल फनेल है, फनेल के साथ एक पाइप है, ये पाइप में मैं इसको यहाँ डाल दूंगा, ये वाले में ऑयल में डाल दिया, ठीक है। और ये वाले में मैं अभी यहाँ से ऑयल डालूंगा इसमें। उसके पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि ये जो ये वाला जो है मारुति उद्योग का ये बुकलेट जो है मारुति जिप्सी का, उसमें एक रेकमेंडेशन दिया गया है कि ट्रांसफर गियर बॉक्स में ऑयल कौन सा आएगा। तो इसमें ट्रांसफर गियर बॉक्स का ऑयल जो है 0.8 लीटर दिखाया है, 0.8 लीटर ट्रांसफर गियर बॉक्स में है, मतलब करीबन आप 1 लीटर जो ऑयल है उसमें 200 ग्राम कम है, तो उतना ऑयल मुझे इसमें डालना है। और EP90 API गियर ऑयल है, और रेकमेंडेशन जो है वो ये है कि API 90 नंबर का ऑयल है। मैंने ये सर्वो का 1 लीटर का ऑयल लिया हुआ है, ये ऑटोमेटिव API है, ये API GL4 ग्रेड का है, 19 नंबर का गियर ऑयल है। चलिए मैं इसको इसमें डालूंगा, एक 1 लीटर ऑयल है, इसमें मुझे 800 ml डालना है, 800 ग्राम डालना है, 800 ml डालना है। ये मैंने टॉप अप कर दिया, ऐसे इसमें ऑयल डाला जाएगा इस तरह से, पाइप जो है वो वही है, तो आप इसमें 800 ml ऑयल डालना है। थोड़ा क्वांटिटी डब्बे में छोड़ दूंगा, 200 ml जितना। ठीक
ठीक है जी, ये मैंने 800 ml ऑयल इसमें डाल दिया है। ठीक है जी, ये ऑयल जो है वो 220 रुपीस का लीटर है, उसका रेट। ये मैंने पेट्रोल पंप से खरीदा हुआ है, मैंने इसमें डाल दिया है इसको। अभी ये मैं निकाल लूंगा इसमें से। चलो ठीक है जी, ये हो गया है, मैंने इसको रैप करके रख दूंगा। अब मेन चीज ये है कि लीवर जो है, अभी लीवर किस तरह से बिठाया जाए। इसमें सिंपल कुछ नहीं है दोस्तों, ये वाला जो है वो स्लॉट में चला जाएगा। अभी फोर व्हील हायर में वो एंगेज है, फोर व्हील हायर में एंगेज है, तो ये मैं जो पोजीशन में निकाल था वही पोजीशन में मैं रख दूंगा। वो स्लॉट में रखने के बाद सिंपल कुछ नहीं है, इसको मुझे क्लॉकवाइज ऐसा घुमा देना है, इसको पुश करके, ऐसा पुश करके ये वाला कैप, ये वाला कैप को क्लॉकवाइज घुमा देना है, ताकि लीवर लॉक हो जाएगा, है ना। लीवर लॉक होने के बाद फिर इसके ऊपर में वो जो बूट निकाला था मैंने, रबर का बूट, वो और वो दूसरा जो बूट था ये वाला, ये मैं लगा दूंगा ऊपर में, फिर कैप जो है वो टाइटिंग कर लूंगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, आपने आपका टाइम दिया और ये वीडियो वॉच किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अगर ये वीडियो से आपको थोड़ी भी जानकारी मिली है या आपको ये अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए या सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।